MD Shakeel Aamir gar. Thank you, Honorable Speaker sir, for giving me an opportunity to speak on grants for demands for grants sanction to appeal for minority welfare department. Speaker sahab, aaj behad khushi ho rahi hai kyunki is riyasat telangana jo pure hindustan mein ek aisi riyasat hai jo minority welfare ke liye kaam kar rahi hai jo minorities ke behbooti ke liye jo actual asal mein jo kaam kar rahi hai wo hukumat wo telangana riyasat ki hukumat hai aur isme bahut khushi ki baat ye hai ki hamare honorable chief minister sahab जो पिछले कमीशंस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस माइनॉरिटीज के है इसको रीड करके एक रिपोर्ट देने के लिए जो जो कमीशंस अपॉइंट किए गए थे उन तमाम कमीशंस का यही कहना था चाहे सुधीर कमीशन रहने दीजिए सच्चर कमेटी रिपोर्ट रहने दीजिए तमाम कमीशंस का ये मानना था कि एससी एसटी से भी ज्यादा पसमानदा हालत में माइनॉरिटी मुसलमान कम्युनिटी है और इनको हर तरीके से इनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए इनके एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए ये रिकमेंडेशंस को मद्देनजर रखते हुए हमारे सेक्युलर चीफ मिनिस्टर आली जनाब इज्जत माफ केसीआर साहब ने सबसे पहली चीज माइनॉरिटीज को जो बजट दिया गया है 2014-15 में जब टीआरएस पार्टी की हुकूमत रियासत तेलंगाना में आई थी जब से 1000 करोड़ से ये माइनॉरिटीज का बजट शुरू किया गया उसके बाद बजट को बढ़ाते हुए 1200 करोड़ 1500 करोड़ 2000 करोड़ तक भी इस बजट को काफी फराख दिली से माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए सीएम साहब ने लगाया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इसमें एक खुसूसी बात यह है कि माइनॉरिटीज के बजट में अगर मुसलमानों की या क्रिश्चियनों की या सिख्स की या पारसीज की जो भी माइनॉरिटीज तबके में है इनकी पसमानदगी इनकी गरीबी दूर होना है तो इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन लाना चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन लाने के लिए जो इलिटरेसी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में है वो इलिटरेसी को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है एक इंग्लिश मीडियम तालीम माइनॉरिटीज को दिलाना है ये मद्देनजर रखते हुए अगर एक अच्छी एजुकेशन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स लेंगे तो आगे चल के वो डॉक्टर साइंटिस्ट और भी प्रोफेशनल कोर्सेज करके आगे बढ़ेंगे इससे जो है तमाम मुसलमानों की पसमानदगी दूर हो सकती इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हजारों करोड़ रुपए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल यहां पे कायम किए गए जो हिंदुस्तान में कोई भी रियासत में इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जहां पे फ्री बुक्स इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जहां पे शूज फ्री हाइजेनिक खाना पूरा रहना रहन सहन हाइजेनिक तरीके से जो हुकूमत प्रोवाइड की है वो सिर्फ रियासत तेलंगाना की हुकूमत है आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 1224 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में 1224 करोड़ रुपए 224 करोड़ रुपीस मुस्लिम एजुकेशन पे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए खर्च किए गए वो वाकई में काबिले सताइश है आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल एक कामयाब मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहा है जिसमें काफी सारे अचीवमेंट स्टूडेंट्स करते हुए आप जानते हैं आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमारे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट रहने दीजिए पूरे रियासत तेलंगाना के दिगर डिस्ट्रिक्टों से आज नासा तक बच्चे पहुंच गए जो मुसलमान गरीब माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम तालीम दिलाने के लिए उनके पास कोई असबाब नहीं थे कोई जो है उनके पास एक रुपए की आमदनी नहीं है जो गरीबी से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे सुबह का खाना खाए तो शाम में खाने का हालत नहीं है ऐसे हालात में आज जो है माइनॉरिटीज की सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन में आज सीएम साहब जो है एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इनको प्रोवाइड करने के लिए हर तरीके से आगे जो है आ रहे हैं नासा को मुसलमान बच्चों को भेजना एक तमाम रियासत तेलंगाना नहीं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान माँ बाप की एक ख्वाहिश रहती है कि मेरे बच्चे नासा तक पहुंचे आज वो बच्चे यहाँ पे रियासत के तेलंगाना की तरफ से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल के स्कूल के बच्चे नासा तक भी आज हमारे सीएम केसीआर साहब की मेहरबानी से पहुंच के आए
मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो इतने लाखों बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आज सुबह भी ये हाउस में चर्चा हुई थी ओवरसीज एजुकेशन के लिए। आज अगर यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कोई यूरोपियन कंट्रीज को बच्चों को भेजना है ओवरसीज एजुकेशन के लिए, एक ख्वाब की तरह रहता। एक ख्वाब देखना है कि मेरे बच्चे जाके पढ़ेंगे तो 20 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा, कोई भी माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे हालात में ये रियासत तेलंगाना के जो बच्चे हैं वो तमाम मेरे बच्चे हैं। ये मुस्लिम बच्चों को मैं बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, ऑन पार विथ एससी एसटीज भी माइनॉरिटीज को, मुस्लिम माइनॉरिटीज को भी या सिख माइनॉरिटीज को भी, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को भी देखना जरूरी है। ये मानते हुए आज 20 लाख रुपए ये बच्चों के एजुकेशन पे खर्च किए जा रहे हैं, मैं इसकी भी तहे दिल से सीएम साहब को मुबारकबाद देता हूं। इसके अलावा एजुकेशन के खर्च में यहां पे देख सकते हैं आप, एमटीएफ के तहत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तरफ यहां पे करोड़ों रुपए बच्चों को यहां पे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी के तहत इंटरमीडिएट टू पीजी स्टूडेंट्स को फी रीएम्बर्समेंट किया जा रहा है, इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा यहां पे कई तरीके से स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं। यहां पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई भी रियासत में कोई भी हुकूमत इस तरीके का स्किल डेवलपमेंट अमल नहीं कर रही है। यहां पे आईटी स्किल्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन कोर्सेज, कंस्ट्रक्शन स्किल्स, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड अदर वर्क्स, जूट प्रोडक्ट्स मेकिंग एंड जूट हैंडीक्राफ्ट, मल्टीलिंगुअल डीटीपी, तेलुगु एंड उर्दू लैंग्वेज कोर्सेज एंड अकाउंट्स एंड टैली पैकेजेस एंड डिफरेंट अदर कोर्सेज आर ऑफर्ड इन द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। I really appreciate the initiatives taken by the government of Telangana for providing quality of education to the minority students. उसी के साथ स्पीकर साहब, यहाँ पे मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत के जानिब से किया जा रहा है, उसमें भी रियासत तेलंगाना एक्टिव पार्ट लेते हुए अपनी तरफ से तकरीबन 15 करोड़ रुपए इस मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में खर्च किए गए। इसके अलावा माइनॉरिटी स्टडी सर्कल जो आईएएस आईपीएस बच्चों को बनना है वो भी एक ख्वाब है। इस माइनॉरिटी स्टडी सर्कल में भी तकरीबन सालाना 2 करोड़ रुपए आईएएस आईपीएस आईएफएस ट्रेनिंग के लिए मुस्लिम बच्चों पे, माइनॉरिटी बच्चों पे खर्च किए जा रहे हैं। मैं तहे दिल से सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। ये रह गया एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा जो मुसलमानों की माशी हालात है आप समझ सकते हैं स्पीकर साहब, यहाँ बैठे तमाम मेंबर्स, हर किसी को अपनी औलाद है, अपने बच्चों से प्यारा किसी को कोई नहीं है। खुसूसी तौर पे हिंदुस्तान की बेटियां जो हमारे रियासत तेलंगाना की बच्चियां हैं, जो माँ बाप अपनी बच्ची की शादी करना उनके बस की बात नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें एक अहम बात यह है स्पीकर साहब, 18 साल से कम उम्र में खुसूसी तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटीज में एक बच्चियों को जो है जल्द से जल्द शादी करना है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है बोल के 18 साल बच्ची नाबालिग होने के बावजूद भी जल्द से जल्द माँ बाप उनकी शादी कर रहे थे। आज हमारे सीएम साहब केसीआर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इकदाम उठाए कि तकरीबन 1,44,000 रियासत तेलंगाना में मुस्लिम बेटियों की शादी करके 1,024 करोड़ रुपए रियासत तेलंगाना की जानिब से इस मुसलमान बच्चियों की शादियों के लिए दिए गए। आप सोचिए स्पीकर साहब, ऐसे कितने माँ बाप है जो जिनकी 1,44,000 बच्चियों की शादी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हुई, जो 18 साल मुकम्मिल होने से पहले बच्चियों को एक आग में झिंझोड़ दे रहे थे, आग में फेंक दे रहे थे। ऐसे हालात में एक यहाँ पे जो क्राइटेरिया एक जो है यहाँ पे मैंडेटरी एक चीज रख दी है कि 18 साल की, अरे स्पीकर साहब इतना बड़ा सब्जेक्ट है थोड़ा तो टाइम दीजिए, आप मारते बेल मारे तो कैसा स्पीकर साहब। नहीं इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ स्पीकर साहब, यहाँ रियासत तेलंगाना के तमाम लोगों को सुनना चाहिए आपको जितना। देखिए स्पीकर साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए पूरे हिंदुस्तान में कोई हुकूमत काम नहीं कर रही जो रियासत तेलंगाना कर रही। थोड़ा सा मेहरबानी करिए सेम डिस्ट्रिक्ट के स्पीकर साहब, एक
एक और यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो चर्चा हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकर साहब, आपसे मैं एक और मैं बात बता दूं, जो 18 साल बगैर हुए हुए जो नाबालिग बच्चियों की शादियां की जा रही थी, जो एक मैंडेटरी क्लॉज इसमें रखा गया कि 18 साल की उम्र हुए बाद ही बच्ची को 1,116 रुपए शादी के लिए मिलेंगे, इससे मां बाप क्या कर रहे, शादी करना है तो भी 18 साल तक रुक के शादी कर रहे, तो एक तो बच्ची की शादी हो रही और 18 साल मुकम्मिल हो रहे, तो पूरी तरीके से जो है ये मां बाप को फायदा पहुंच रहा है, उन बच्चियों को फायदा पहुंच रहा है। तो 1,44,000 बच्चियों की शादी 1 लाख रुपए देके करना कोई आसान बात नहीं है। मैं अपोजिशन पार्टी से भी गुजारिश कर रहा हूं, हमारे सीएम साहब जिस तरीके के अच्छे काम कर रहे, मेहरबानी आप लोग तनखीद ना करते हुए ऐसे चीजों की तारीफ भी किया करो कभी कभी। इसके अलावा स्पीकर साहब यहां पे कई मसले हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत कई स्कीमात यहां पे अमल में लाई गई है, 80% सब्सिडी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत बगैर बैंक लिंकेज के आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत 1 लाख रुपए लोन जिसमें 80% सब्सिडी है वो लोन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा स्पीकर साहब मैं अदबन गुजारिश करता हूं, सबसे बड़ा मामला हाजी जो तेलंगाना रियासत के हाजी हज के लिए जाते हैं, वो रियासत के लिए दुआएं करते हैं, तमाम लोगों के लिए दुआएं करते हैं, जो आज हज कमेटी यहाँ पे हमारे मसीउल्लाह खान चेयरमैन के लीडरशिप में जो चल रही है, बेहतरीन कारकर्दगी उन लोगों की चल रही है। मैं हमारे ऑनरेबल माइनॉरिटी मिनिस्टर से और खुसूसी तौर से सीएम साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि हज जो हज के लिए जा रहे हैं तकरीबन 5,000 हाजी रियासत तेलंगाना से जाते हैं, जिनको 6,000 रुपए जीएसटी लग रहा है, मैं खुसूसी तौर पे मेहरबानी करके अदबन गुजारिश करता हूं कि ये जीएसटी को खत्म करिए, हुकूमत की तरफ से 5,000 लोगों को 6,000 रुपए के हिसाब से 3 करोड़ रुपए लगते, सालाना अगर 3 करोड़ रुपए हुकूमत के जानिब से दिए गए तो ये हाजियों का जो जीएसटी है वो खत्म हो जाएगा। मेरी अदबन गुजारिश है कि इसको जो है सीएम साहब खत्म करें। इसके अलावा यहाँ पे माइनॉरिटी वेलफेयर डे जो मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मनाया जाता, नवंबर 11 जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब है जिनकी यौम पैदाइश 11 नवंबर है, उस दिन ऑफिशियली आली जनाब सीएम केसीआर साहब की जानिब से ये ऑफिशियल माइनॉरिटी वेलफेयर डे मनाया जा रहा है, मैं इसकी भी तहे दिल से सताइश करता हूं। इसके अलावा मेरी हमारे मिनिस्टर साहब से अदबन गुजारिश है, मेहरबानी करके तवज्जो फरमाइए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जो मुस्लिम लेडीज है, लेडीज को भी अगर यहाँ पे बैंक लिंकेज के बगैर स्पेशली जो है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जिस तरीके से लोन्स दिए जा रहे हैं, स्पेशली अगर लेडीज को विदाउट बैंक लिंकेज अगर ये लोन दिया जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी और कामयाब बात होगी, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है। इसके अलावा मेरी एक खुसूसी गुजारिश है, जो ग्रांट इन एड है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रांट इन एड को थोड़ा ग्रांट्स इसमें बढ़ा के ग्रांट इन एड में जो मस्जिदों के जो ईदगाहों के और जो दरगाहों के जो बाकी काम बचे हुए इसको मुकम्मल करने की मैं आपसे गुजारिश करता हूं। इसके अलावा साहब पल्ले प्रगति पटना प्रगति प्रोग्राम चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, मैं तमाम लोगों से और स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं, पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम में जो है वैकुंठा धाम हम बोल के हर एक विलेज में जो है बना रहे श्मशान वाटिका के लिए, मैं चाहता हूं इसमें क्रिश्चियन एंड मुस्लिम ग्रेवयार्ड को भी इंक्लूड किया जाए, जिसमें यहां पे बाउंड्री वॉल ग्रेवयार्ड के लिए बनाने की बहुत जरूरत है। पटना प्रगति और पल्ले प्रगति में मुस्लिम और क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड को मेहरबानी करके इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा स्पीकर साहब जो अभी अभी अकबर साहब भी बता चुके कि मुस्लिम पोस्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिर्फ 235 पोस्ट है, मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि इस 235 पोस्ट को जो है बढ़ाते हुए, क्योंकि एससी एसटी दिगर डिपार्टमेंट में 2,500 पोस्ट है, 4,000 चिल्लर पोस्ट है, ये दोनों डिपार्टमेंट में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इतना ही बड़ा डिपार्टमेंट है, मेरी सीएम साहब से अदबन गुजारिश है कि यहां पे भी इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा एक 35 पोस्ट जो है
यहाँ पे जियो नंबर 53/2017 तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पे उर्दू एसजीटी पोस्ट फिलअप करने के लिए 35 पोस्टों के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया। उन 35 पोस्टों में भी सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप माइनॉरिटीज के लिए उसमें 35 पोस्ट में से सिर्फ 20 पोस्ट फिलअप किए गए। इसमें एक टेक्निकल बात यह है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके ही डिस्ट्रिक्ट में अगर वो जॉब अवेलेबल है तो वही फिलअप कर रहे। मेरी सीएम साहब से अदबन गुजारिश है कि मेहरबानी करके इसको स्टेट वाइड एक जियो निकाल के जहां भी ये पोस्ट अवेलेबल है, जो भी कैटेगरी में है, अगर निजामाबाद में है और मेदक डिस्ट्रिक्ट में सीट अवेलेबल है तो मेदक डिस्ट्रिक्ट में भी इन लोगों को जॉब ऑफर करते हुए ये 53/2017 का जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसको जल्द से जल्द मेहरबानी करके फिलअप किया जाए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप में जो है विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी है, काफी सारे लोग है, इनको जस्टिस किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे बेहतरीन कारकर्दगी तेलंगाना स्टेट जो अभी दूसरे जो काम कर रही है, जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस है, टीएस प्राइम कोर्सेस है, और इसके अलावा यहाँ पे जो दरगाह का अजमेर दरगाह का काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम से हम लोग जगह देख रहे। मेरी माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि एक हाउस कमेटी कायम करें इसके लिए और राजस्थान अजमेर का दौरा करके वहां पे लैंड प्रोक्योर किया जाए, क्योंकि हुकूमत राजस्थान की तरफ से कोई लैंड हमको नहीं दिया जा रहा है। वहां पे हम लैंड परचेज करके जल्द से जल्द वहां पे तेलंगाना रियासत की तरफ से अजमेर दरगाह में एक गेस्ट हाउस बनाना बोल के मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। इसके अलावा स्पीकर साहब, जो सिख माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है, यहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वहां से भी लोन दिए जा रहे हैं माइनॉरिटीज के चर्चेस को, उनकी मरम्मत के लिए, उनकी बाउंड्री वॉल के लिए और तमाम दूसरे मसाइल के लिए पैसे मुहैया कराए जा रहे हैं, लेकिन इसकी किसी को भी नॉलेज नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तरफ से भी जो लोन क्रिश्चियंस के लिए दिए जा रहे हैं, मेहरबानी करके इसको नोटिफाई करिए, इसका एडवर्टाइजमेंट करिए, ताकि लोग इसको अप्लाई करें और ये स्कीम की जो है पूरी तरीके से इसकी हेल्प ले सके और जो है इसका फायदा उनको पहुंच सके। स्पीकर साहब, ये जो भी इकदाम रियासत तेलंगाना के माइनॉरिटीज के लिए है, लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि तमाम अभी अकबर अवैसी साहब बोले 56 कारकर्दगियां, ऐसे 56 ऐसे अचीवमेंट्स कारनामे हैं मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर के हुकूमत के जानिब से, वाकई काबिल सताइश है। मेरी एक अदबन गुजारिश ये भी थी और उसके अलावा भी जो 2014 से बजट लाते हुए अभी 2019-20 का बजट 2000 करोड़ रुपए था, 2021 का बजट 1510 करोड़ रुपए कर दिए, 1518 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मेरी फिर भी मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना इकोनॉमी स्लो डाउन होने के बावजूद भी, ऐसे रियासत के हालात होने के बावजूद भी सीएम साहब 1518 करोड़ रुपए माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए लगाए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा एक आखिरी बात है स्पीकर साहब, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा दहशतगर्दी का माहौल है, एक मुसलमान आदमी अपना चेहरा रख के बाहर खुलेआम नहीं घूम सकता। आपको मैं बता दूं, जब हमारी बकरीद की ईद आती है, अगर कुर्बानी देना है, दिगर बाजू महाराष्ट्र और कर्नाटका के रियासत के लोग आके डर के यहाँ पे कुर्बानी देके जा रहे। ऐसे हालात में जिस तरीके से महफूज यहाँ पे मुसलमान रियासत तेलंगाना में है, हर तरीके से महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनाब केसीआर साहब है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और रियासत तेलंगाना के तमाम माइनॉरिटीज सीएम केसीआर साहब के साथ है मेरे को यह मौका देने के लिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।